वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ नया टॉपिक लेकर। तो आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, कि आपने मेरा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के साथ साथ आप दिवाकर फिजिक्स को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज मैं क्लास 10 का जो चैप्टर 1 से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले जैसे रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ। तो ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो चैप्टर 1 का मैं आज स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है ना, द फोर्स विच कैन कॉज द चेंज इन मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, विच कैन चेंज द डायमेंशन। तो उसका बेसिकली दो टाइप का इफेक्ट होता है, ये आपको समझना है। जैसे मैं इसको यदि फोर्स लगाऊँ ऐसे यहाँ से, तो ये सीधा आगे जा रहा है ना। तो ये इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी उसी के साथ ही मैं यदि इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ के यदि मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ, तो ये देखिए यहाँ मैं रोटेट कर रहा है ना। सो फोर्स कैन कॉज रोटेशनल मोशन ऑल्सो अबाउट अ पॉइंट, दैट इज। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बोल सकते हैं। तो आज ये रोटेशनल मोशन के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड, यहाँ आप देख सकते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये दोनों एक ही है। तो इसको समझने के लिए, तो इसका जो कैसे जो एक फोर्स लगाने से वो बॉडी घूमता है, तो उसको हम समझने के लिए आप डोर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डोर को यदि आप फोर्स लगाएंगे, तो वो इस एक्सिस में वो घूमता है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, तो अभी कितने डिस्टेंस में लगा रहे हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए फॉर्मूला में दो फैक्टर आपको याद करना है। सो टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो पहला है हाउ मच फोर्स यू अप्लाई, एंड दूसरा है एट व्हाट डिस्टेंस यू अप्लाई, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक और फैक्टर भी है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट वो क्लास 10 के लिए आप ये दो ही फैक्टर आप याद करना है। तो एक फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पर आप हैंडल देखते हैं, तो हैंडल में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ऐसा डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला और डेफिनेशन हो गया। अभी इसको यदि आपको फार्मूला मालूम है, तो यूनिट बना सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में ये न्यूटन मीटर रहेगा। और यदि आप CGS यूनिट में इसको बताना चाहते हैं, तो फोर्स का यूनिट है डाइन और डिस्टेंस का सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अभी यहाँ पर एक बात समझना है कि जैसे यदि आप दरवाजे को खोलना है ना, तो दरवाजे को खोलना है तो इसका हैंडल में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने कभी गौर किया है, हैंडल जो है हमेशा एज के तरफ रहता है, इट इज़ नियर द एज, द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। वो कारपेंटर को भी फिजिक्स मालूम है लग रहा है ना। तो क्यों नहीं आपने कभी डोर देखा है, कभी यहाँ पर होता है हैंडल, ऐसा नहीं देखा है ना। तो हमेशा दूर में रहता है, ऐसे क्यों होता है? तो इसमें ये फिजिक्स है कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने के लिए आइए यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं।
जैसे आपको यदि डोर खोलने के लिए 24 न्यूटन मीटर टॉर्क की ज़रूरत है, तो क्या कर सकते हैं आप, 24 न्यूटन मीटर न्यूटन फोर्स लगाइए, और कितने में लगाना पड़ेगा, 1, 24 × 1 इज़ 24। अभी इसी टॉर्क को यदि अचीव करना है तो आप फोर्स आप 12 न्यूटन लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 2 मीटर के डिस्टेंस में आपको फोर्स लगाना है। क्यों? क्योंकि 12 × 2 इज़ 24। वैसे ही यदि आपको और भी कम फोर्स लगाना है, 1 न्यूटन, तो आपको 24 मीटर में यानी कि और दूर में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि यदि फोर्स कम चाहिए तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट उतना ही आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आया, तो आपको जब दरवाज़ा खोलना है या किसी चीज़ को घुमाना है ना, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगा के घुमाने में अच्छा लगेगा या कम फोर्स लगा के घुमाने में अच्छा। तो ऑब्वियसली इट इज़ ईजियर, सो इसे इन द ईजियर दैट मीन्स वी वॉन्ट टू अप्लाई द लेस फोर्स, है ना, तो फोर्स कम होना चाहिए। तब इसको कैसे अचीव करेंगे, तो ये डिस्टेंस यदि बढ़ाकर, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। तो एग्जांपल से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग लेस फोर्स एट ग्रेटर डिस्टेंस। देखिए, तो दूर डिस्टेंस में हम फोर्स लगाएंगे तो वो कम लगाना पड़ेगा, लेकिन टॉर्क उतना ही मिलेगा। तो वी कैन अचीव द गिवन टॉर्क और रिक्वायर्ड टॉर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स और द लीस्ट फोर्स एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ये आप याद रखिएगा। अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको बहुत सारे गिव रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेस में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हैंडल ऑफ द डोर इज़ फिटेड नियर द एज ऑफ द डोर, वाई, है ना, तो रीज़न है यही, द रिक्वायर्ड टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट और लेस फोर्स द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दैट्स वाई एंड द हैंडल इज फिटेड नियर द एज और द लार्जेस्ट डिस्टेंस देन वी कैन ओपन और क्लोज द डोर ईजिली। ईजिली मीन्स विथ लेस फोर्स, है ना, फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं। तो एक रीज़न हो गया। वैसे स्पैनर हैज़ लॉन्ग हैंडल बोलेंगे, तो आपको यही रीज़न लिखना है, ठीक है। तो पहले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्निकल एक्सप्रेशंस आपको यूज़ करने। तो क्या क्या टेक्निकल एक्सप्रेशंस है, टेक्निकल टर्म्स है, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, फोर्स आप कंपेयर कर रहे हैं लेस मोर, है ना, डिस्टेंस के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर हैंड पम्प हैज़ लॉन्ग हैंडल, है ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो वो टेक्स्ट बुक का जो भी क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर्स ICC जो भी इस बेस में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये सेंटेंस आप याद कीजिए और इस सेंटेंस के आधार पर आप उसको आंसर लिखिए, ठीक है। तो इससे आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और जो गिव रीजन टाइप, आपको जो ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं आंसर। अभी जब बॉडी रोटेट करेगा तो या वो इस तरफ घूम सकता है या इस तरफ घूमेगा, है ना, दो डायरेक्शन हो गया। तो इसलिए फोर्स कैन कॉज द बॉडी टू रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्लॉकवाइज देखने के लिए जो क्लॉक का जो हैंड्स है वो कैसे जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं आपके तरफ से, ये है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी, क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज। सो इफ द बॉडी रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज़ टेकन एज द नेगेटिव टॉर्क, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, ये कन्वेंशन है, रूल है। और वैसे ही यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे करके, तो क्या होगा, तो उसको पॉजिटिव टॉर्क लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, न्यूमेरिकल्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से जो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के बारे में
आप फॉर्मूला या न्यूमेरिकल्स आता है, गिव रीजंस आते हैं, तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा इस फर्स्ट चैप्टर से, तो आप इंतज़ार कीजिए और तब तक ये वीडियो देखिए, और मैं हर चैप्टर वाइज अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगा। तो मेरा वीडियो कंटिन्यूस देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी अच्छा से फिजिक्स को रिवाइज कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।